मतलब 27 लाख नहीं यार, एक इंसान की जान की कीमत होती है, वो लोग क्यों नहीं समझते हैं इन सब चीज़ों को। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। बट अभी जो सुबह सुबह अपन उठे 9 बजे, फिर न्यूज़ देखे, तो पता चला कि चैनविक बॉसमैन जो थे, उनका नाम बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बट जो ब्लैक पैंथर मूवी देखे होंगे जिसमें वो एक्टर थे, लीड रोल में थे, हीरो थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। उनको शायद कैंसर था, कैंसर की वजह से 43 ईयर्स के एज में थे, वो ज़्यादा एज भी नहीं था अभी उनका, वो उनका देहांत हो गया, वो हमारे बीच नहीं रहे अब। सो बस क्या ही बोल सकते हैं, पता नहीं 2020 और क्या क्या हमें दिखाने वाला है, क्या कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स, अब बॉलीवुड को देख लो, कितने अच्छे अच्छे एक्टर हमारे बीच नहीं रहे हैं, फिर वो हॉलीवुड जहाँ भी हो, मतलब पता नहीं क्या क्या होने वाला है। और रही बात ये, अभी जो हमारे इंडिया में सीन चल रहा है ITJEE एग्ज़ाम को लेके, तो भाई मुझे ये भी चीज़ें पता नहीं चलती है कि लोग सुनते क्यों नहीं है, कभी भी स्टूडेंट को सुना क्यों नहीं जाता, स्टूडेंट की बातों को मतलब एक वो होता है ना, लिया नहीं जाता, बस ऐसे ही है कि हाँ आज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो चलो 2-3 दिन बाद करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, उसके बाद सब ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर अपने अपने काम में मस्त हो जाएंगे, कोई नहीं सुनता। अब ये दिक्कत है कि उनकी बातों को कोई सीरियस लेता नहीं है, ये हमारे इंडिया में ही ऐसा होता है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, सबको पता है एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। अगर उस जगह पे यार, जब गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो खुद को अगर उनके बच्चे होंगे जो ITJEE के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो अगर गए, अगर उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया तो क्या करेंगे? जैसे अभी BED का एग्ज़ाम हुआ था कुछ दिन पहले, वहाँ पे सब लोगों को पता है, न्यूज़ में सारी चीज़ें आ रही थी, कितनी धांधली हुई, कितनी भगदड़ मच गई थी वहाँ पे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना भूल गए थे, ये फैक्ट है। वहाँ लोग एग्ज़ाम, अगर मैं हो, आप हो, कोई भी हो, वो नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें को फॉलो। मैं भी जाऊँगा यार, वहाँ वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है कि हाँ यार मुझे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, मैं एग्ज़ाम सेंटर पर जाना हूँ, बहुत सारे बच्चे आएंगे, बट पता नहीं क्या है, कोई नहीं सुनता यार। उनकी फ्यूचर के साथ तो मत खेलो, जीवन के साथ क्यों खेलो, कि लाइफ के साथ, क्योंकि लाइफ क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? अगर नहीं भी 27 लाख जो है स्टूडेंट, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया एग्ज़ाम देने के लिए, अगर 27 लाख में अगर नहीं भी हो, किसी एक बंदे की को भी अगर कुछ हो जाता है, तो उसका जिम्मेदारी किसकी बनती है, कौन जवाबदेह होगा उसका? अगर सपोज किसी को ना हो, किसी एक बंदे को हो, किसी एक बंदे को ही कुछ हो जाए, प्रॉब्लम कुछ भी हो जाए, तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? इंसान की जान एक भी, मतलब 27 लाख नहीं यार, एक इंसान की जान की कीमत होती है, वो लोग क्यों नहीं समझते हैं इन सब चीज़ों को? पता नहीं, सीरियसली नहीं लेते ये लोग यार। मैं 2-3 दिन से न्यूज़ देख रहे हैं, कोई बच्चे भूखे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस दिन मैंने न्यूज़ में देखा 2 दिन पहले 4000 बच्चे जो हैं वो भूखे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट उन्हीं को, उनको भी, उनकी बातों को भी नहीं सीरियस लेते सब यार। यही बच्चे जो फ्यूचर है हमारे, फ्यूचर है मतलब इन्हीं पे देश चलने वाला है, इन्हीं के भरोसे देश चलने वाला है, जो हमारी जनरेशन, हम तो अपन कर रहे हैं, हम अभी जॉब कर रहे हैं, मेरा जो पढ़ाई का कॉलेज था वो सारे ख़त्म हो गए, बट वो अभी आने वाले जो 11th में 12th में बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे थे यार, उनके फ्यूचर के साथ तो मत खेलो। एग्ज़ाम अगर एक साल अगर डिले हो जाती है, नेक्स्ट ईयर हो जा कर दो या 4 महीने बाद कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कितने, जितने भी हैं, उनके पेरेंट्स से आप पूछ लो, कितने लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, सर्वे करवा लो यार, ट्विटर पे ऐसे ही ट्रेंड कर रहा है, कितने, पता नहीं कितने लाख इंगेजमेंट हो रहे हैं, तो भी ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच रही है यार। ये भी इम्पोर्टेंट है, हमारे न्यूज़ मीडिया पता नहीं क्या क्या दिखाती रहती है, ये भी इम्पोर्टेंट है यार। न्यूज़ मीडिया को ये दिखाना ज़रूरी होता है कि कुकर में चने थे नहीं थे, कुकर रसोई में कौन था, कुकर में से चने किसने निकाले, ये चीज़ें दिखाने के लिए मीडिया के पास, हमारे पास टाइम है, बट उस बच्चों को दिखाने के, बच्चों के साथ की प्रॉब्लम होती है, जो स्टूडेंट्स की रियल प्रॉब्लम है, अभी फैक्ट प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि वो राजनीति कर रहे हैं या फिर वो कुछ कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मांगे को, अपनी जीवन को बचाने के लिए कर रही है, बट उनके लिए कोई नहीं सोच रहा। मैं इस मुद्दे को
नहीं बोलने वाला था, बट मेरे खुद के कज़न ब्रदर्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, जो देने वाले हैं, उनको यार सोचो यार, मैं बिहार से हूँ, बिहार में बाढ़ आई है, अगर एग्ज़ाम सेंटर, अगर मेरा घर बिहार के एक छोटे से गांव में है, अगर वो वहाँ से पटना मेरी घर से दूर लगभग 50 किलोमीटर है, अगर पटना में उसका सेंटर पड़ता है, बाढ़ आई हुई है मेरे गाँव के चारों तरफ, बाढ़ आई हुई है मेरे घर तक पानी पहुँच गई है, तो एग्ज़ाम देने कैसे जाएगा वो। प्रॉब्लम एक नहीं है कि केवल कोरोना है, प्रॉब्लम ये भी है कि संसाधन नहीं है, कैसे जाएंगे बच्चे, इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बट किसी को कुछ नहीं पड़ी है यार, सब अपने मस्ती में है, सबको क्या लेना देना कि मतलब बच्चे एग्ज़ाम दे नहीं दे, भूखे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, लोग बोलता है आजकल इंडिया हमारा डिजिटल हो रहा है, डिजिटल है, तो यार ये चीज़ें अगर डिजिटल है तो लोग सुनते क्यों नहीं स्टूडेंट की, और वो स्टूडेंट तो कोई राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, या फिर हिंदू मुसलमान कर नहीं कर रहे, अगर ये कर रहे होते पक्का मीडिया में आती, ये पक्का वो चीज़ें सब बहुत बड़ी हो जाती, बट नहीं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए लड़ रहे हैं, तो किसी को कुछ परवाह नहीं है। यही तो दिक्कत है हमारे देश की, जिस जो हमारा फ्यूचर है उनको कुछ, उनको ना बोलने का हक, बोलने का हक तो सबको है, बोलते भी है बट सुनता कोई नहीं है। पता नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया होऊंगा, बट मेरे हिसाब से मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, मैंने जो फील किया, मैंने जो देखा, वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर सकते हैं, अगर मैं गलत बोला हूँ उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, अगर मैं सही बोला हूँ उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, ये सही हो रहा है गलत हो रहा है आप खुद सोच सकते हैं यार, आपके पास इतनी समझ है सोच सकते हैं। तो बस इसके बारे में और अपन डिस्कशन नहीं करते हैं, जितना बोलना था मेरे अंदर जो भी थी चीज़ें वो मैंने बोल दी, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, सबके पास है यार अपनी अपनी चीज़ें बोलने की प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अच्छी खासी प्लेटफॉर्म है, जो भी यह चीज़ें गंदी चीज़ें ही नहीं होती, अच्छी चीज़ें भी होती है, मेरी जो मेरे जो जितने अंदर थी सारी चीज़ें मैंने अपनी आपके सामने रख दी, अब आप लोग डिसाइड करो क्या ये सही है गलत है, क्या हो रहा है आपके हाथ में। सो बस यही बोलना था तो इस वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद जय भारत। और हाँ, हमारे बिहार जहाँ जहाँ भी बिहार हो गया फिर आसाम हो गया, जहाँ जहाँ फ्लड आया बाढ़ आई है, सो बस भगवान करे जल्दी से ये ख़त्म हो, एक तो कोरोना ऊपर से ये बाढ़, और कुछ बोल नहीं सकते यार। बस वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, और ये मैसेज को प्लीज़ जितना हो सके शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ अब आगे, ताकि लोग अवेयर हो इस चीज़ों से। तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दो।